बड़ा डर लगता है जतिन को। चल डर मत। ये देखिए आप यहाँ से मेले का पूरा नजारा देखिए, थोड़ा और ऊपर। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है आपके जी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। दोस्तों मेरा नाम है सौरभ रावत और आप सबका स्वागत है मनसब ब्लॉग में। तो जैसा कि मैं रहता हूँ लुधियाना में, लुधियाना पंजाब में, तो यहाँ एक बहुत ही फेमस जगह है दरेसी ग्राउंड। तो यहाँ पर दशहरे के टाइम पर बहुत ही मस्त मेला लगता है। तो आज हम दोस्त सभी फ्री थे तो आज हम जा रहे हैं मेला देखने के लिए। तो मेले के साथ हमने सोचा कि आपको भी अपने साथ थोड़ा सा घुमा लिया जाए, तो ब्लॉग बना लिया इस चक्कर में। तो शुरू करते हैं ब्लॉग को बिना देरी किए। अभी दोस्त आ रहे हैं और बाकी के दोस्त आ चुके हैं, तो आपसे मिलते हैं आगे। तो गाइस निकल चुके हैं घर से रोहित भाई, विजय, मनीष भाई, जतिन भाई और गौरव भाई। तो आगे अंकित भाई आएगा, वो सीधा जॉब से आ रहा है। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं हम दरेसी ग्राउंड में। भाई लोग आगे आगे जा रहे हैं तो मैंने सोचा वीडियो पूरी कर लेता हूं। अब आपको यहां से अंदर का दिखाएंगे हम। मुझे तो दोस्तों ये दरेसी ग्राउंड के अंदर की है। तो दोस्तों ये दरेसी ग्राउंड का एंट्रेंस गेट है यहां से, ये देखिए। आजकल बहुत भीड़ है, हमारे ब्लॉगर एक ये ब्लॉगर है एक गौरव सिंह, अंकित, ये देखिए हमारे एक और ब्लॉगर है। तो दोस्तों ये है दरेसी ग्राउंड, ये देखिए, ये देखिए आप, ये हमारे ब्लॉगर, सेकंड ब्लॉगर, तीसरे, चौथे पहुंच कर दी। मैं ब्लॉगर नहीं, क्या है? अच्छा चल, ये देखिए दरेसी ग्राउंड। अंकित लुधियाना में पहली बार जा रहे ना तू मेले में? लाइटिंग्स बहुत है। तो दोस्तों ये देखिए भाई लोग मस्त व्लॉगिंग कर रहे हैं। ये यहाँ पर भगवान जी का मंदिर है, ये देखिए राम सीता जी झांके निकल रही हैं और यहाँ लोग मेले का लुत्फ़ उठा रहे हैं। जो ये बीच में ग्राउंड है, दशहरे वाले दिन यहीं पे रावण का पुतला जलाया जाता है। आ जा गौरव, बहुत मज़ा आएगा। अभी तो आपको आगे भी जाके दिखाते हैं, अभी तो मेला स्टार्ट हुआ है। ये देखिए ये देखिए दोस्तों यहाँ पर राम जी बिठाए हुए हैं। तो दोस्तों बहुत मजा आ रहा है। दरेसी ग्राउंड के अंदर बैठे मस्त मजा आ रहा है। यहाँ पर सर्कस दिखा रहे हैं, देखिए ग्राउंड है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, दिवाली के टाइम पर यहाँ पटाखे लगते हैं, लेकिन उससे पहले जब तक दशहरा होता है तब तक यहाँ मेला लगता है। बहुत ही सुंदर मेला, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए पीछे यहाँ सर्कस हो रहा है, यहाँ आगे खिलौने हैं, आगे झूले हैं मस्त मस्त।
तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी है, आप जैसा कि देख सकते हैं, देखिए बहुत भीड़ हो रखी है अंदर। अब झूलों की साइड में जाते हैं, फिर वहाँ का देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेला बहुत ही शानदार लगा हुआ है। जैसा हमने बचपन में सुना है ना कि आप मेले में गए आपने क्या देखा, वहाँ हमने झूले देखे, वहाँ हमने मिठाइयाँ देखी, समोसे देखे, कचौरी देखे, मस्त मज़ा आ रहा है। मस्त स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए पीछे फूल। ये देखिए चारों साइड स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ खिलौने, यहाँ धूप जलाने के लिए स्टैंड रखे हुए हैं। यहाँ पर छोटे बच्चों के खेलने के लिए देखिए कितने अच्छे अच्छे सामान रखे हैं, और लाइटिंग बलून। आपने अगर कोई मुकुट लेना हो तो यहाँ ले सकते हैं आकर। ये देखिए मस्त समोसे कचोरियाँ लगी हुई हैं। तो फाइनली एंट्री कर ली हमने जहाँ झूले लगे होते हैं। ये मनीष भाई खड़े हैं पीछे, यहाँ का जो नज़ारा है भैया कतई से है। और अभी दिखाते हैं यहाँ पे सात समुंदर पार भी ले जाते हैं, और वो उस साइड ले जाते हैं, तो चल के वहाँ पे देखते हैं सात समुंदर पार कैसे कैसे ले जाते हैं हम। रसगुल्ले, गुलाब जामुन आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा चंडोल है। ₹50 टिकट, सिर्फ ₹50, छोटे बच्चों का झूला है। अरे ये देखिए, we'll be right back.
दोस्तों देखिए झुंडोल कितने रुपए दिख रहा है दोस्तों? कितने? 70 रुपए टिकट झुंडोल सबसे ऊंचा वाला है। पुलिस वाले भी आए हुए हैं। गुजारिश करता हूँ जो कमजोर दिल वाले हों वो इस वाले झूले में मत बैठना, बैंड बज जाती है। ये देखिए यार इस झूले से वो आए अभी हम, बैंड बज जाती है यार। चलेंगे इधर साइड से, इधर साइड। ओ भाई ट्रेन पहुंच कर दी। I don't know.
तो भाई स्मोकिंग हो रही है, सिर्फ 20 रुपए स्मोकिंग हो रही हो। अबे चलना घर चल। ₹10 सेल। तरफ यात्रा बढ़ती हुई धीरे धीरे। तो दोस्तों घूम लिया आज हमने मेला भी, अब दरेसी ग्राउंड का मेला घंटाघर से आगे जाके है, आप भी आइए मजे कीजिए। तो अब समाप्त करते हैं वीडियो को, चलते हैं घर। सो गुड नाइट दोस्तों, अपना ख्याल रखें, जय हिंद, ध्यान रखिए और हमारा साथ देते रहिए। भाई की वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ठोक के करना है उस पर। अरे भाई धन्यवाद, जय हिंद।